हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वाक्य समझाऊंगी। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। प्रत्येक वाक्य का अपना अर्थ होता है। कोई भी वाक्य अगर सही मेल से ना जुड़ा हो तब वह सही वाक्य नहीं कहलाता। वाक्यों द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात कहते हैं। जब हम सही मेल से वाक्यों को बोलते हैं तभी वह दूसरों को समझ आता है, तभी वह हमारी बात को समझ सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम कब आए? इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बना, तुम कब आए? दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, आधा घंटा हो गया। तो इन शब्दों को मिलाकर एक पूर्ण वाक्य बनता है। शब्दों के सही मेल को हम वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम या फिर पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसको हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, जाता स्कूल है वह, यह सही क्रम नहीं है। सही क्रम होगा, वह स्कूल जाता है। आइसक्रीम खाओगे तुम क्या, यह भी सही क्रम नहीं है। सही क्रम होगा, क्या तुम आइसक्रीम खाओगे। कविता रवि रहा है लिख, यह भी क्रम सही नहीं है। सही क्रम होगा, रवि कविता लिख रहा है।